अस्सलाम वालेकुम जी, जिस अहमद एजाज, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ही बैकग्राउंड, सेम कपड़े और सेम जगह के साथ, सेम बंदे के साथ एक और वीडियो लेके आ गया हूँ, टैक के रिलेटेड ही। तो मेहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर भाई, अब आपके पास कौन सी चीज़ें इस वीडियो में? बहुत शॉर्ट चीज़ें बताने वाली हैं, लेट्स सपोज, जिनमें ये कुछ चार्जिंग केबल थी, मैंने मैग्नेट केबल थी, इनका भी अभी ट्रेंड मैंने कुछ देखा है। तो ये अभी बस एक शौक सा उठा, तो ये भी मैंने बेसिकली बिलालगंज से परचेज़ की है, तो आपको दराज से भी मिल जाएंगी मुख्तलिफ कीमत में। अच्छा, ये जो है ये मैग्नेट है बेसिकली, और इसमें सी और एंड्रॉयड दोनों का वो हो जाता है। हाँ जी, ये सी टाइप लगाना चाहें तो ये लगा लें, ये लगाना चाहें ये लगा लें, ठीक है जी। और इसकी पावर जो कैपेसिटी भी वो भी अच्छी है, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये रुलाते हुए या रोते हुए चुप करवाने के लिए तो बड़ी एक मज़ेदार सी चीज़ मैंने फील की है। अब्दुल्ला अहमद, ये देखें है तो मतलब बड़ी एज के अकॉर्डिंगली तो थोड़ा हटके चीज़ है, मज़ेदार, लेकिन बच्चे इसे बहुत देखे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनके लिए बड़ी एक डिफरेंस। कमरे में अगर लाइट बंद की हो, ये चलाया हो ना, तो लादा ही आपका डिस्को लगा होगा। अच्छा, ये तो हो गया। इसकी वो कैसी कैपेसिटी है दूसरी, चार्जिंग कैसे? चार्जिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। अच्छा, एक और कैंपिंग के रिलेटेड फिर चीज़ आ गई है। अच्छा, और ये छोटा सा पॉकेट नाइफ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये इसका लॉक है, और सबसे मज़े की चीज़ है कि अपने अगर इसमें वॉलेट में या पॉकेट में आप रखते हैं, इसका लॉक है, ये अनलॉक नहीं हो सकेगा अनटिल के इसे आप अनलॉक ना कर दें। और ये कुछ इस तरह से आप इसे नाइफ बन जाएगा, और ये पॉकेट नाइफ बन जाएगा, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और मेरे तो खैर वॉलेट में होता है, और ये है भी काफ़ी शार्प। आप इसे कहीं मतलब कैंपिंग के लिए, मतलब कहीं भी होते हैं, आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, अल्लाह ना करे किसी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने एंकर का चार्जर लिया अभी कुछ दिन पहले, ये है जी इसका, मैं अगर दिखा सकूँ तो ये इसकी डिटेल्ड है, और एंकर यूके स्लॉट्स में, और ये है जी 82021 मॉडल, 24 वाट का है ये, ठीक है जी, 24 वाट का डुअल स्लॉट है, और इसमें मज़े, सबसे मज़े की बात है ये कि IQ के साथ है। IQ मीन्स IQ टेक्नोलॉजी है कि यार आप इसे यूज़ करते हो, आपकी सेल फोन की जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब चार्ज करने के लिए, ये उसके अकॉर्डिंगली उसे करंट पास करेगा। सही, ज़्यादा नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, जितनी आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है ये उतनी करेगा। तो मैंने एक ये लिया, इसमें मज़े की बात है कि इसमें जो है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये DAB प्लस के साथ है, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है ये उनके रेडियो स्टेशंस के साथ भी एक्सेस ले सकती है, प्लस FM है, प्लस ब्लूटूथ है, और चार्जिंग के साथ है। DAB नो स्टेशन हमारे मुल्क में इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, प्लस क्लॉक प्लस अलार्म, आप इसको मतलब साइड टेबल पे ऐसा रख के और एज अ क्लॉक या एज अ अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह, और मैं ये आपको शो करवाना चाहूँगा, ये एज अ साइड टेबल पे आप यूज़ कर सकते हैं इसे। स्पीकर इसका बहुत अच्छा है और आवाज़ इसकी बड़ी अच्छी है, प्लस ये माइक्रोबी चार्जिंग के साथ है, हेडफोन की स्लॉट भी है इसमें, और एक नॉर्मल फारग बैठ के आप फिर इस पर गाने वगैरह, कभी पुरानी चीज़ें याद करने को जब दिल करता है, FM टाइम पीरियड, नूरजहां गाना लगा के सुनते हैं नहीं इतना भी पुराना नहीं चीज़ें तो अहमद और भी बहुत ज़्यादा, तो वायरलेस कीबोर्ड माउस और कैमरा, अभी कुछ कैंपिंग के लिहाज से और बड़ी चीज़ें पड़ी हैं, और वो टेबल पे उधर ही पड़ी हैं, मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन जो वीडियो में कवर हो सकती थी और जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है वो हमने किया। एक एंटीक कैमरा, आपने वीडियोज़ में पढ़ा देखा होगा ये वाला, ये बड़ा ही मतलब एंटीक और बड़ा ही ज़बरदस्त, कोई मेहर भी बता रहे थे 50 साल पुराना है, नहीं ये है तकरीबन 40 कह लें 40-45 साल पुराना है। असल में इसका रिव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसकी सेटिंग्स हमें पता नहीं है, उमेर भाई के अब्बू को पता नहीं, अब्बा जी को ज़्यादा पता है, और ये यूज़ भी करते रहे, कोई इसे 20-25 साल पहले इसे यूज़ करना, तो इसकी कोई रील थी, इसको कोई वाश वगैरह करवाने का मसला था, तो उमेर भाई ने कहा इसका हम नहीं देंगे, रख देते हैं एंड पे थोड़ा बता देंगे। कैमरा बहुत अच्छा है, और ये जो इसके फीचर्स वगैरह है ना, अगर इस कैमरे में कैप्चर हो सके, ये पुराना है, बस इतना सा थोड़ा सा याद है जितना बड़ों को करते देखते रहे हैं कि नेक्स्ट तस्वीर के लिए, तो ये वाला सीन था, ये इसका क्लिक था, ये इसका लॉक था, यहाँ पे बैटरीज थी, और ये इसका मैं दिखा सकूँ तो ये इसका फोकस मोड है, यहाँ से आप फोकस करते थे, ठीक है जी, और ये इसका ऑटो का मोड था, ये ऑटो पे चला जाता था, फिर उसके बाद और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है,
लेकिन ये है कि हमारी बचपन की जितनी भी तस्वीर है उसी से कैप्चर की गई है घर पे। और इसके साथ ये लाइट है और एक बड़ा ही ज़बरदस्त लेदर का पैक है। तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपको कैसे लगे, कुछ नया सजेस्ट करें अगर आपके घर में कुछ नया हो सकता है। शायद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हों पहले, आपको ज़्यादा नॉलेज हो इस बारे में पहले भी, लेकिन एक कोशिश थी छोटी सी कि जो जो आ सकता है कैप्चर हो सकता है वो आपको दिखाया जाए। मेहर भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। जी ना।